तो बुक्स हियर ही है ना, तो बस तकरीबन पहुंच ही गए हैं इसके घर ना, तो इसे बुक्स दे गए तो फिर तो यार चलिए, मुझे देर हो रही है वैसे भी ना, मुझे ना थोड़ी सी देर हो गई, थोड़ी सी नहीं वाहवा देर हो गई है, तो फटाफट मैं ना पॉइंट निकलना चाहिए यही कोशिश करूँगा। लेक्चर हमारे सारे हो गए नहीं है तो ना अभी बस घर चलना है, घर जाएंगे यहाँ से ना डीन ऑफिस से पहले पानी पीते हैं, पानी पी के फिर हम। तो यार बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो चाहूँगा यार जल्दी जल्दी छुट्टियाँ हो यूनिवर्सिटी से, तो बंदा घर बैठ के आराम सुकून से चिल करे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अच्छा दोस्तों, इस तरह तकरीबन रात का ही टाइम, रात होने वाली है ना, तो यार कुछ देर पहले ही मैं उठा हूँ, आज जुमा था ना वैसे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है यार, देखिए मुझे पसीना आ रहा है और मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, पहले तो इतना महसूस नहीं होता था लेकिन अब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इन्हें भी कल या परसों कटवा ही दूँगा, तो यार दिल नहीं कर रहा वैसे कटवाने का ना, तो इस बार पता नहीं क्यों मैं बड़े बाल रखना चाह रहा हूँ लेकिन गर्मी की वजह से रख नहीं रहा। तकरीबन साल डेढ़ साल पहले ना मैं बुक्स लेके आया था ना, तो यूसुफ़ के लिए, अपने लिए नहीं, मेरा क्या काम किताबों से, तो वो बुक्स वापस लेके आनी है क्योंकि यार अब एमडी कैट की तैयारी, तो यूसुफ का एडमिशन तो हो गया, तो अब वो बुक्स वापसी देनी है ना जिससे ली थी, तो वो वापसी देने जाना है, वो लड़का मांग रहा है ना, तो उसे वापसी दे के आनी है बुक्स। मैं ये सोच रहा हूँ अकेला तो नहीं जाता, रात का टाइम है, वो है भी देहात वाली साइड पर ना, तो साथ दोस्त को ले चलता हूँ, वो वैसे भी फ्री होगा, उसने मुझे कॉल की थी। एक मैं जा रहा था, मैंने कहा सोचा यार कुछ ना कुछ खा लूँ क्योंकि दोपहर को मैंने खाना खाया था, अब मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, मैं दूध पी के चलते हैं फिर हम वहीं, बल्कि उल्टे हाथ में सीधे हाथ में पकड़ लूँ, और साथ ये सोनल राइस का हम टेस्ट करते हैं। यार ये ध्यान से आया है और आता है ना, ये स्पेशल बना होता है, अच्छा होता भी बड़ा मज़े का है, ऑर्गेनिक खुद बनाते हैं, ये दूध शूध पी लूँ फिर उसके बाद मैं आपको, बल्कि अभी चलते हैं। यार ये वाली बुक्स हैं और ये ना दे के आते हैं, बाकी मुझे यार लोग याद नहीं है वो कौन सा था, नहीं तो मैं क्लिप जरूर ऐड कर दूंगा ना, तो अब ढूंढना पड़ेगा यार, और ये तो वैसे यार जरूर दे के आनी है, तो अब तो ये कोई काम की नहीं है, तो वैसे मुझसे अपनी किताबें नहीं पढ़ी जाती, यूनिवर्सिटी की नहीं पढ़ी जाती, ये क्या पढ़ूंगा, बात तो सही है। यार इस तरह मैंने अली को उठा लिया था इसके घर से, मतलब ले लिया था, तो बुक्स हियर ही है ना, तो बस तकरीबन पहुंच ही गए हैं इसके घर ना, तो इसे बुक्स दे गए तो फिर हम देखते हैं। यार ये इसका घर है, मैं लाइट ही जली हुई, अच्छी बात है, मैं इसे मैं दिखाना भी नहीं चाहता, तो ये बुक्स इसे दे दें तो फटाफट दे के फिर हम घर ही चलते हैं। लेकिन की बैटरी हो गई है ख़राब, इतनी दूर आया हूँ यार। Few moments later. तो बुक्स वगैरह दे दिए, चला ले चले। इनके यार काम देखे, यार तू अली मुझे दिखा मोबाइल, मोबाइल मुझे दिखा, मैं जवाब देता हूँ। तू मोटरसाइकिल सही चला ले यार दोनों हाथों से। अस्सलाम वालेकुम, पकौड़े गर्म है कर दोगे? यार उसके पास पकोड़े पड़े तो हुए थे लेकिन वो ठंडे थे ना, लेकिन हमने खाने थे गर्म, तो वो वैसे भी शाम के बने होंगे ना, तो अब वैसे रात हो गई है ना, तो इसीलिए हमने सोचा कि अब दही भले खाएंगे। यार फायदा किया मैंने, हाँ अगर तुमको खा लेता ना तो वेस्टिंग हो जाती है, बात तो इसकी पहले ठीक है, आलू खराब थे, आलू खराब थे, तो इसलिए मैंने एक टेस्ट किया था वहाँ पे ना, तो अब पहले यही कह रहे भाई इसको घर के दही भले वाली शॉप, तो आप वहीं से दही भले खाएँ। यार एक ये सिंपल पाउच लिए है, ये इल्ली की कज़न की शॉप से ना, ठीक है, तो पहले जो मेरे पास था ना वो था केस, यार वो फिर बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, तो अब मुझे पता चले उसकी ना बैटरी हेल्थ भी ख़राब हो गई है पाउच की वजह से ना, तो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तो इसलिए मैंने ये लिया पाउच, मैं कहा चलो यार यही लगा लेता हूँ, तो वक्ती तौर पर यही लगा देंगे, बाद में देखेंगे बड़े सामान का तेल काट, स्पाइसी बनाए ठीक है ना। चलो यार चलिए,
अभी दोस्तों इस तरह यार, मैंने ना जब व्लॉग बना रहा था तब भी ये मोबाइल हीट हो रहा था, ये भी हीट हो गया था, इतना हीट होता है पता नहीं क्यों यार मेरा मोबाइल। तो ये फिर मैंने उतार दिया था, इसका वैसे कोई मुझे फ़ायदा तो हुआ नहीं है कोई खास लेने का, तो अब तो ऐसे ही रखूँगा मोबाइल को ना बिना पाउच के, तो यार ये हीट हो जाएगा ना। बाकी बुक्स वगैरह मैं दिया है। अच्छा दोस्तों अगला दिन शुरू हो गया, बल्कि सुबह सुबह का टाइम है, आज आपका भाई सुबह उठा हुआ है, तकरीबन मैं 6 बजे का उठ गया था। इतनी जल्दी यार इसलिए उठा था क्योंकि रात को मैं जल्दी आया था घर, जल्दी आके ना फिर मैं सो गया था, 9 बजे 9:30 बजे सो गया था ना, तो इसीलिए फिर मैं जल्दी उठाऊँ ना। तो फिर सुबह सुबह सी आर का वैसे मैसेज आया हुआ था भी आपने नोटबुक्स बनानी है ना प्रैक्टिकल की, तो वो मैंने अभी बैठ के यहाँ पे नोट्स बुक बनाई है, तो वो तो मैंने खैर बना ली है, अभी मुझे लगी है भूख। खैर तो हम करते हैं नाश्ता, नाश्ता करके वैसे भी अभी टाइम पड़ा है, बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है, यूनिवर्सिटी आज मैंने लेट जाना है, ठीक है ना, तो कल के आज चलते हैं नाश्ता करते हैं, देखते हैं क्या बना हुआ है। यार नाश्ते में है हमारे पास मक्खन, अचार और ये पराठा, पराठा जो है ना ये दूसरा सफ़ेद वाला, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। ओह हो चस आ गया, चस मोट लेवल है यार, मज़े गए वाकई आज तो भाई, मज़ा आ गया, मज़ा वाकई यार, ज़्यादा ये जो चार है ना ये ज़्यादा थोड़ा सा वो है खट्टा, तो ये गले को लगे अभी, तो हम पानी पीते हैं। One hour later. तो यार चलिए मुझे देर हो रही है वैसे भी ना, मुझे ना थोड़ी सी देर हो गई, थोड़ी सी नहीं वाहवा देर हो गई है, तो फटाफट मैं ना पॉइंट निकलना जाए यही कोशिश करूंगा, तो निकल गया ना फिर मुझे आधे घंटे बाद जाना पड़ेगा और मेरी क्लास भी लेट हो जाएगी। बैग मेरा ये ना, बैग भी मैं लेके जाता हूँ साथ ना, तो आपने ये नहीं समझा बैग लेके जाता, क्योंकि यहाँ का पानी होता है ठंडा फुल, तो बोतल मेरे बैग में, यहाँ से पानी भर के फिर हम चलते हैं घर। अच्छा दोस्तों इस तरह अभी मैं बाइक से आया हूँ, दोस्त के साथ गया हुआ था बाइक ना, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो मैं तो यही चाहूंगा यार जल्दी जल्दी छुट्टियां हो यूनिवर्सिटी से, तो बंदा घर बैठ के आराम सुकून से चिल करेगा, जाने में ना बंदा बहुत ज्यादा जलील हो जाता है, तो मैं तो जाता भी थोड़ा दूर हूँ ना, तकरीबन 40 किलोमीटर मेरा आने जाने का बनता है ना, तो फिर जाते भी है कभी ऑटो भी हूँ कभी पॉइंट भी हूँ, तो ये सीन है फिर यार जलील हो जाता हूँ ना, तो ये सोच रहा था यार छुट्टियाँ हो जाए दफा भाई, चलो बंदा आराम सुकून से घर बैठे हो अपना काम वगैरह करें ना, तो व्लॉग श्लोक बनाए, चलो कोई नहीं खैर है यार वो तो जानी है, ये तो मुझे पता है, इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, आज का व्लॉग बस मेरा यही है, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, ओके अल्लाह हाफिज़।